हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अमित, योर साइंस टीचर वेलकम्स यू ऑल इन संस्कारम वीडियो लेक्चर। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट द रोड सेफ्टी। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट सेफ्टी ऑन रोड्स, हाउ वी विल बी सेफ व्हाइल वी आर मूविंग ऑन रोड। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दैट, ओके। एंड हियर इज द आइडिया ऑफ दिस चैप्टर। सेफ्टी रूल शुड बी फॉलोड बाय द ईच एंड एवरी पर्सन टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। हमें बेटे सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, ओके। नाउ रोड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ एवरी रोड यूजर। सड़क सुरक्षा हर उस व्यक्ति का कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है जो रोड को यूज कर रहा है। इफ वी आर यूजिंग रोड विद नेग्लिजेंस और इग्नोरिंग द रोड सेफ्टी रूल्स, देन वी विल मेड विद एन एक्सीडेंट। इट विल बी डेंजरस फॉर अस, हमारी जान भी जा सकती है एक्सीडेंट से। इसलिए हमें सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, हेयर आर सम पॉइंट्स फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी ऑन रोड्स। ड्राइवर्स एंड पेडेस्ट्रियंस शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ड्राइवर्स चालकों को और पेडेस्ट्रियन पैदल यात्रियों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सेकंड वन इज पेडेस्ट्रियन शुड यूज सबवे। पेडेस्ट्रियंस को, पैदल यात्रियों को रोड क्रॉस करने के लिए सबवे का यूज करना चाहिए। व्हाट डज सबवे मीन? सबवे इज ए वे अंडर रोड फॉर क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट वन, पीपल ड्राइविंग टू व्हीलर शुड वियर हेलमेट। जो टू व्हीलर्स ड्राइव कर रहे हैं लाइक बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक एटसेट्रा, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए, सिर की सुरक्षा के लिए, हेड की सुरक्षा के लिए बेटे हेलमेट्स पहनने जरूरी हैं। नेक्स्ट वन इज ड्राइव व्हीकल्स विद इन स्पीड लिमिट अकॉर्डिंग टू एरिया। हमें व्हीकल्स को ड्राइविंग एरिया के अकॉर्डिंग स्पीड लिमिट में चलाना चाहिए। कभी भी ओवर स्पीडिंग नहीं होनी चाहिए। हमें स्पीड लिमिट से ज़्यादा कभी भी ड्राइव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, डोंट प्ले ऑन रोड्स। हमें कभी भी सड़क के ऊपर खेलना नहीं चाहिए। वी शुड ऑलवेज प्ले इन प्लेग्राउंड। यूज जेब्रा और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड्स। वी शुड यूज जेब्रा क्रॉसिंग और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग टू क्रॉस रोड। बेटे हर रोड पे, हर सड़क पे रोड को क्रॉस करने के लिए जहाँ सबवेज नहीं होते वहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग या फिर जेब्रा क्रॉसिंग होती है। हमें सिर्फ और सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए, ताकि हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर पाएं। नेक्स्ट वन इज माइंड अबाउट द ट्रैफिक सिग्नल्स और रोड सिग्नल्स। हमें ट्रैफिक सिग्नल्स और रोड सिग्नल्स का ध्यान रखना चाहिए एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। यूज फुटपाथ ओनली फॉर वॉकिंग। सड़क के किनारे किनारे जो फुटपाथ होता है सिर्फ उसी का प्रयोग करना चाहिए वॉकिंग के लिए। हमें रोड पे मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, हमें रोड पे वॉक नहीं करना चाहिए। नाउ हियर आई विल डिस्कस अबाउट दिस ट्रैफिक लाइट्स। आप सबने हर क्रॉसिंग पे, हर रोड क्रॉसिंग पे आपने ऐसी लाइट्स देखी होंगी। इसे बेटे ट्रैफिक लाइट कहते हैं। इस लाइट की हेल्प से ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। देर आर थ्री लाइट्स। फर्स्ट वन इज रेड, सेकंड वन इज येलो एंड थर्ड वन इज ग्रीन। इफ यू सॉ रेड लाइट, इट मीन्स यू हैव टू स्टॉप। लाल रंग की लाइट दिखने पे, लाल कलर दिखने पे आपको रुकना होता है। सेकंड वन इज येलो। येलो मीन्स यू हैव टू वेट एंड स्लो डाउन। नेक्स्ट ग्रीन,
When green light appears, you can move forward. जब ग्रीन लाइन दिखाई देती है तो आप आगे बढ़ सकते हो. Now here are some traffic signals. Let's discuss about these. What does they mean and what are their uses? Traffic symbols are those symbols which you see near road. They help us to manage traffic in a disciplined way. First sign is stop. It means this sign indicates that you have to stop your vehicle where you see that sign. जब आपको ये stop sign दिखाई देता है, इसका मतलब ये है कि बेटे आपको अपना vehicle वहीं रोकना है, आपको उस sign से आगे नहीं बढ़ना है. Our next sign is no entry. No entry means the sign clearly shows that you cannot enter with your vehicle in this area. आप उस एरिया में एंट्री नहीं कर सकते जिस एरिया में आपको ये साइन दिखाई देगा. और नेक्स्ट साइन इज राइट टर्न प्रोहिबिटेड. सड़क पे जाते हुए जब आपको ये साइन दिखाई दे तो आप राइट टर्न नहीं ले सकते. यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. एंड नेक्स्ट साइन इज लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड. Same as right turn, you cannot take left turn when you see this sign. Next symbol is no U-turn, means U-turn prohibited. This sign directs the driver to avoid U-turn. Suppose we are going in this direction and we want to take U-turn. Where the sign appears, we cannot take U-turn. जिस रोड पे आप जा रहे हो, अगर उस रोड पे आपको ये सिंबल दिखाई देता है, ये साइन दिखाई देता है, तो आप उस रोड पे U-turn नहीं ले सकते. Next sign is overtaking prohibited. Sometimes at highways or where the road are narrow or at the bridges, this sign appears. कई बार क्या होता है बेटे, जब highways संकरे होते हैं, रोड संकरा होता है, नैरो होता है, या फिर कोई नैरो ब्रिज होता है, वहाँ आपको ये साइन दिखाई देता है. इस साइन का मतलब ये है बेटे कि आप आगे जाने वाले व्हीकल को ओवरटेक करके नहीं निकल सकते. इफ़ यू ओवरटेक दैट व्हीकल, देयर विल बी हाई चांस ऑफ एक्सीडेंट्स. नेक्स्ट साइन हॉर्न प्रोहिबिटेड. When there is no requirement of honking, honking means pressing the horn continuously. जब हमें horn की requirement नहीं होती, उस area में ये sign लगाया जाता है बेटे. और ये symbol mostly ज़्यादातर उन areas में मिलता है जहाँ medicals होते हैं या फिर school, colleges या universities area में आपको ये sign दिखाई देता है, ताकि बच्चों की पढ़ाई disturb ना हो, silence maintain रहे. Next one is no parking. When this sign appears, you cannot park your vehicle at that place. जब बेटे आपको ये sign दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने vehicle को उस जगह park नहीं कर सकते जहाँ ये sign दिखाई दे रहा है. Next one is speed limit sign. Some numbers are written in a red circle. This sign indicates that you have to drive your vehicle on this speed. You cannot cross this speed. If you cross this speed, there will be more chances to meet an accident. जब ये सिंबल आपको दिखाई देता है बेटे, तो आपको इस स्पीड लिमिट में ही ड्राइव करना है. अगर आप इस स्पीड लिमिट को क्रॉस करते हैं तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है. नेक्स्ट वन इज narrow road ahead. Your next symbol is narrow road ahead. As clearly visible in this symbol, first road is broad and after that it's getting narrow.
पहले तो बेटे रोड जो है वो खूब चौड़ा है, उसके बाद ये संकरा होता जा रहा है। इस सिंबल का मतलब ये है कि जिस रोड पे आप ड्राइव कर रहे हो वो आगे से संकरा है, तो यू हैव टू ड्राइव केयरफुली। नाउ नेक्स्ट सिंबल, नैरो ब्रिज। दिस सिंबल इंडिकेट दैट आगे जो भी रोड है उस पे बेटे कोई नैरो ब्रिज है, देयर इज ए नैरो ब्रिज अहेड। दिस सिंबल इंडिकेट्स दैट देयर इज ए नैरो ब्रिज अहेड, सो यू हैव टू ड्राइव केयरफुली। नेक्स्ट सिंबल इज पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल फॉर रोड सेफ्टी। व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन रोड और क्रॉसिंग ए रोड यू हैव टू सी दिस साइन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग। You have to cross road when the symbol appears। आपको road cross केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ तब करना है जहां आप इस symbol को, इस sign को देखते हैं। Now next sign is school ahead। You are looking a child with his or her books in this triangle। इस symbol का मतलब है बेटे आगे road के किनारे कोई स्कूल है, सो यू हैव टू स्लो डाउन योर व्हीकल सो दैट नो स्टूडेंट गेट इंजर्ड। नेक्स्ट सिंबल, मैन एट वर्क। यू आर लुकिंग दैट हियर इन दिस पिक्चर ए मैन इज वर्किंग, इट मीन्स ऑन दिस रोड समवेयर अहेड वर्क इज इन प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, सो यू हैव टू ड्राइव केयरफुली, यू हैव टू स्लो डाउन योर व्हीकल सो दैट यू कैन रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स। एंड द लास्ट वन, रेलवे क्रॉसिंग। दिस साइन अपीयर्स बिफोर, ये साइन बेटे रेलवे क्रॉसिंग से पहले लगाया जाता है ताकि आपको पता चल जाए कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है। And at the last, there are some emergency numbers which are very important. You have to learn these numbers by heart in any emergency situation. Bete, by chance if you meet any accident or anything, so government has provided us some emergency numbers which can be dialed even from without network. In any emergency situation, our government has provided us some numbers which can be dialed when there is no network in our phone or when our phone is locked. So here these three numbers are 100. When you dial 100 from your phone, it will ring into nearest police station. जब आप बेटे 100 नंबर अपने फ़ोन से डायल करोगे तो यह आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रिंग करेगा और वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। इन केस ऑफ एनी फायर ब्रेकआउट यू विल डायल 101। बेटे ये नंबर फायर स्टेशन का है, अगर कहीं आग लग जाती है आपके घर में, आपके पड़ोस में, तो आप ये नंबर डायल कर सकते हो। As soon as possible, you will be provided help from nearest fire station. And last, third one is 102. It is for medical help. If you call on this number, ambulance will come to you and help you the medical services. Third one is 102. It is of medical services. If you got an injury or any accident, you can dial 102। आपात स्थिति में आप 102 नंबर डायल कर सकते हैं। ये नंबर एम्बुलेंस का होता है बेटे, जो कि आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। सो यू हैव टू लर्न और यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज नंबर्स फॉर यूर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ओके, थैंक यू।